वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम ग्राउंड पे लगा के रखा ये पॉट के साथ, जो कि ये है कोरल ट्री, हमारा बीक बड़ा सा कटिंग, तो उसको हम आज रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ, कुछ रूट्स नीचे भी चली गई है, देखिए। तो ग्राउंड पे पॉट रख के ट्रेनिंग कर सकते हैं जब आपके पास ज़मीन है तो। ये देखिए, उस रूट को मैं निकाल लूँगा। ये किसी भी साइज़ में प्रोपोगेट हो सकता है, बहुत ही इजी है प्रोपोगेशन में। तो ये प्लांट लगा था एक छोटे पॉट में, देखिए 12 इंच का होगा शायद, तो उसको थोड़ा बड़ा पॉट दे देता हूँ। तो पहले थोड़ी ट्रिमिंग कर लूँगा मैं, ये अपनी मर्ज़ी का मालिक है, यानी उसको हम वायरिंग करके शेपिंग नहीं दे सकते, पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए मैं ट्रिमिंग कर लेता हूँ पहले, एक तरह से मैं डिपोलिएशन भी कर ही दूँगा, एक जगह से दो ब्रांचें नहीं चाहिए। पहले भी मैं ट्रिमिंग करता रहा हूँ, उसका अपडेट भी दिया था मैंने एक बार। उसका किसी भी साइज में प्रोपोगेशन कर सकते हैं, उससे बड़ा प्लांट भी किया है हाइट में। ये निकालना पड़ेगा हमें, देखिए ये साइज में भी हो जाता है। उसकी ट्रंक मूवमेंट कटिंग करने से बहुत ही बढ़िया बनती है दोस्तों। तो उसका शेपिंग ट्रिमिंग से ही किया जा सकता है। मैंने कुछ प्लांट ट्रेन किए थे, एक बहुत ही अच्छा था, वो सेल हो गया। तो यहाँ हम उसको ट्रिमिंग कर, ये हीलिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है दोस्तों, और उसका कैरेक्टर कुछ एडिनम की तरह भी रहता है, उसमें फंगस वगैरह ज़्यादा लग सकता है। देखिए आप लोगों को लगेगा कि एडिनम की तरह है, उसकी ब्राक भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। ये कुछ कार्विंग करके ये पोर्शन निकालना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ इस तरह से हीलिंग होता है। तो चलिए उसको निकाल के देखते हैं उसका रूट सिस्टम क्या है। इसके रूट फाइबर रूट की तरह जनरेट नहीं होते, मगर ये इजी सर्वाइव कर जाता है। उसमें थोड़े कांटे होते हैं, तो ध्यान में भी रखना होता है, कुछ रूट फंसे होंगे नीचे। देखिए अच्छे रूट है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से ये अच्छे रूट जनरेट हुए हैं। इस तरह के रूट पहले नहीं देखे मैंने, क्योंकि बड़े हो जाते हैं रूट थोड़े, तो उसके छोटे हैं तो अच्छी बात है, और जैसे चाहे वैसे ही बड़े हैं। तो बोनसाई में ये होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि इस तरह से नीचे से जो है वो वाइन वाउंड निकल आना चाहिए। तो थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं हम नीचे, तो यहाँ फंगस वगैरह का खतरा रहता है, तो मैं एंटी फंगस पाउडर लगा दूंगा। वैसे तो ये ड्राई हो चुका है ये पार्ट, फिर भी एज अ सेफ्टी ट्रिमिंग भी नहीं किया, मगर ये ज़्यादा सड़े ना, इसलिए मैं लगा देता हूँ एंटी फंगस पाउडर। ये बहुत कुछ एडिनम की तरह उसकी ब्राक वगैरह होती है। और उसकी ब्राक में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता, ये मैच्योर ब्राक ही है दोस्तों, इसी तरह की होती है। तो हम उसको कोई टेक्चर देने के लिए कुछ उसमें कार्विंग वगैरह कर सकते हैं, मैंने ऐसा ही सोचा है। तो पहले बाद में ट्रिमिंग करते हैं। तो अगर हम उसमें कुछ मूवमेंट देना चाहें
तो ट्रंक के ऊपर कुछ कट लगा सकते हैं हम, कट लगा के कुछ मूवमेंट देने की कोशिश करेंगे हम। ये सब एडवांस टेक्निक में आता है मेरे ख्याल से। ये तो एक लाइन खींच के देखता हूँ मैं क्या होता है मेरे कार्विंग नाइफ से। तो मैं कुछ ब्राक निकालना चाहूँगा उसकी कुछ मूवमेंट बनाते हुए। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, तो इसमें वो एक मैच्योरिटी दिखेगी इस तरह से। तो अगर इस तरह से करते हैं तो ये इतना अच्छे तरीके से हीलिंग करता है कि ये बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और तो इस तरह से कुछ कट्स लगाने हैं मुझे जिससे ये मैच्योर नज़र आए और हीलिंग हो जाए। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्लांट में। रूट ना डैमेज हो वो ध्यान में रखने वाली बात है। अब दे देंगे हम पॉट प्लांट्स को और रूट ट्रिमिंग की है एक दो रूट्स। उसके रूट्स थोड़े ब्रिटल होते हैं, अगर ये बड़े होते ये 5-10 mm के थिकनेस में भी बन जाते हैं कभी कभी। अच्छी बात है कि ये छोटे हैं। तो यहाँ मैं एक रखने वाला हूँ टाइल्स जिसकी वजह से उसके रूट स्ट्रेट ही रहने चाहिए। तो यहाँ मेरे पास ये टाइल्स है जो पहले मैं बेस में रखूँगा और उसके ऊपर थोड़ा सा सोइल छिड़काव कर देंगे और उसके ऊपर मैं रख देता हूँ ये प्लांट। और ट्रिमिंग नहीं की है क्योंकि हमने थोड़ा हैवी काम किया है इस पर। तो अब दे देंगे सोइल मिक्स और उसको अच्छे से अटैच करना ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ा है तो उसको कुछ अलग तरीके से करना होगा। जा जा जा। तो रूट कब से अनकवर है तो थोड़ा सोइल पे और ये रूट्स पे पानी में। अगर पहले ये लोअर पोर्शन में मुझे एंटी फंगस पाउडर लगा देना पड़ेगा तो मैं पेंट ब्रश से ब्रश कर लूँगा। पानी मिला के रखा था मैंने और मैं ऐसे तैयार ही रखता हूँ गोल। आजकल मैं यही इस्तेमाल करता हूँ कट पेस्ट में, रूट कट में। तो सोइल दे दी गई है, देखिए प्लांट बहुत ही बढ़िया लगेगा अगर ये अच्छे से हीलिंग हो जाएगा। चारों ओर मैंने उसको पील कर दिया है
तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। मैं सब जगह जहाँ बाकी है वहाँ एंटी फंगस पाउडर को लगा लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। होली तो खेल ली है मैंने इस प्लांट के साथ, सब जगह से पील कर दिया है मैंने चारों ओर से। उसका रिएक्शन अच्छा रहता है, ये हीलिंग अच्छे से हो जाता है, तो मैंने ये करने की कोशिश की। आप फाइकस के साथ मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, केवल स्प्लिट किया है। अगर इस तरह का काम फाइकस साथ ना करे तो अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।